गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में आज बात करते हैं जो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट केस को हैंडल किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड केस को हैंडल करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें ऑफ डायगोनल पर जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं उनकी वैल्यू 1 है और अदर एलिमेंट्स की वैल्यू 0 है। ओके स्टूडेंट्स, यह ऑफ डायगोनल है, ठीक है। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे, पहले हम लोग इंडेक्सेस को राइट करते हैं। 2D डायमेंशन का जो भी प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा इंडेक्स को लिखना, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं डायग्राम को। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस सेल में रोज एंड कॉलम इंडेक्स की वैल्यू का सम इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर 1 प्रिंट करना है। अदरवाइज बच्चों, क्या प्रिंट कर किया गया है? 0। इन दिस प्रॉब्लम वी ऑब्जर्व डैट द सेल डैट सम ऑफ सम ऑफ इंडेक्स i एंड इंडेक्स j इज इक्वल टू 2। वी डिस्प्ले 1, अदरवाइज अदरवाइज डिस्प्ले 0, 0। ओके स्टूडेंट्स, इसी लॉजिक का यूज करके स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए बच्चों, हेडर फाइल लिखते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच वाइड मेन। रोज एंड कॉलम को हैंडल करने के लिए 2 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, आईजे फॉर आई 0 आई लेस देन आर इक्वल टू 2। बच्चों, यहाँ पर हम रोज एंड कॉलम की वैल्यू के लिए m n नाम के 2 इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं और MN की वैल्यू को कीबोर्ड से इंटर कराएंगे। MN मैट्रिक्स का आर्डर है, इंटर रोज एंड कॉलम नंबर। ओके स्टूडेंट्स,
तो एम एन की वैल्यू बच्चों कीबोर्ड से लिया, इसके बाद स्टूडेंट एम एन की वैल्यू देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स हो, बोथ केस में हमारा जो मैट्रिक्स होगा इसको स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी इस तरह का जो डेटा रिप्रेजेंट हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर कंडीशन क्या होगा स्टूडेंट, एम इज इक्वल टू एन, एम इज इक्वल टू एन यदि होगा बच्चों तभी हम ऑफ डायगोनल का लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, इसलिए इफ ब्लॉक में हमने लिखा कोड, लूप लगाया, नेस्टेड फॉर लूप, फॉर आई 0, आई लेस देन एम या लेस देन इक्वल टू एम माइनस वन, फॉर जे इक्वल टू 0, यहाँ पर इक्वल टू को लगा देते हैं स्टूडेंट, लेस देन आर इक्वल टू एम माइनस वन आई प्लस प्लस। इनर लूप में उसी तरह से स्टूडेंट जे की वैल्यू 0 से लेकर एन माइनस वन तक, वैसे तो इंट्री होगा तो एम माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन होगा, क्योंकि इफ के अंदर हम चल रहे हैं। अब स्टूडेंट इसके अंदर लॉजिक लगाते हैं, इफ आई प्लस जे, आई प्लस जे इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस वन या एम माइनस वन, यहाँ पर दोनों इनसाइड बराबर है, तो जो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट होल्ड करेगा वहां पर हमें प्रिंट करना है वन। अदरवाइज मीन्स एल्स में डिस्प्ले करना है स्टूडेंट्स 0। अदरवाइज 0। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट लाइन चेंज किया, लाइन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा चाहिए। इसके बाद आउटर लूप को क्लोज किया स्टूडेंट्स, इसके बाद इफ को क्लोज किया, उसके बाद मेन मेथड को क्लोज किया। एक ब्रैकेट आपको दिखाई नहीं दे रहा, नीचे लग गया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने देखा कैसे हम जो है प्रॉब्लम कोई भी हो सबसे पहले उसको एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो लॉजिक एनालिसिस करने के बाद आता है उसको हम प्रोग्रामिंग भाषा में इंप्लीमेंट करते हैं। तो डायग्राम के थ्रू आपने देखा है स्टूडेंट कि हर जगह आई प्लस जे की वैल्यू क्या है, मैक्स जो हमारा इंडेक्स है उसके बराबर है ऑफ डायगोनल पर। इसी प्रॉपर्टी का स्टूडेंट हमने यूज किया और एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ओके स्टूडेंट्स, तो
आप भी जो है ट्राई करते रहिए, मेरा लॉजिक अच्छा लगता है तो आप मुझे राइट करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।